पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नोएडा के एक्सपो मार्ट में होने वाली IHGF दिल्ली फेयर से मुरादाबाद के निर्यातकों को काफी उम्मीदें हैं। 30 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाले इस फेयर में निर्यातक फेयर में आने वाले बायर्स से ऑर्डर बरसने की उम्मीदें लगाए हुए हैं। फेयर की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा रहा है कि EPCH के पदाधिकारी दावा कर रहे हैं कि फेयर में आने वाले निर्यातकों और बायर्स को होटल नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार इतनी बड़ी एक्सपो फेयर की तैयारी चल रही है। मिनी फेयर सफल होने के बाद अब 30 मार्च से 3 अप्रैल तक फेयर लगाई जा रही है। कोरोना की मार झेल रहे निर्यातक फेयर की तैयारी में पहले से ही जुट गए हैं और बायर्स को आकर्षित करने के लिए नए नए वैरायटी और डिजाइन तैयार कर रहे हैं। EPCH के COA नीरज विनोद खन्ना ने पब्लिक टीवी से बात करते हुए कहा कि ये फेयर निर्यातकों के लिए एक अच्छी फेयर साबित होगी। देखिए, दिल्ली फेयर जो अभी 30 तारीख को लगने जा रही है, इस फेयर में आज की स्थिति में हमारे जितने भी कस्टमर्स ने अपनी कंफर्मेशन दी थी वो कंफर्मेशन एज इज है और सारे कस्टमर्स यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से और ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदी से सारे लोग जो है, सारे बायर्स हमारे ट्रेवल कर रहे हैं। क्योंकि फेयर, फिजिकल फेयर जो है, इतने बड़े स्तर पे पूर्व की भांति 2 साल के बाद जो है फेयर करने का EPCH को ये मौका मिला है। EPCH अपनी जोर शोर तरीके से इस फेयर को कामयाब कराने में लगी हुई है। इसमें भारत सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर कंट्रीज में भारत की जो एम्बेसीज हैं वो एम्बेसीज इस फेयर का इतना प्रचार कर रही हैं, कहते हैं वह EPCH अपने तरीके से मीडिया के माध्यम से या एयरपोर्ट्स पे जो आपका पब्लिसिटी होती है, अलग अलग तरीके से पब्लिसिटी कर रही है और फेयर अपनी अपना जो है चरम सीमा पे जा कर के बंद होगी। और मुझे लगता है कि मुरादाबाद व पूरे भारतवर्ष के निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को इस फेयर में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और बिजनेस का भरपूर आनंद और बिजनेस को भरपूर तरीके से अपने कंपनी की तरफ आकर्षित कर करके अच्छे प्रोडक्ट लगा करके, डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट लगा करके जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक बड़ा शोर है कि इससे बहुत जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो अभी वॉर चल रहा है उसके बाद में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब एक तरीके का ही शोर ज़्यादा हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक जो है शोर है, एक भ्रम फैलाने की स्थिति है। कुछ लोग जो या कुछ संगठन के लोग जो फेयर में ना तो पार्टिसिपेट करते ना उनका कोई बिजनेस फेयर के ऊपर डिपेंड है, और जिन लोगों का बिजनेस फेयर पर डिपेंड है, चाहे वो बड़े निर्यातक हों, चाहे वो आर्टिजन्स हों, चाहे वो छोटे निर्यातक हों, उन एक्सपोर्टर्स को भी वो भ्रमित करते हैं। और इस भ्रम में जो एक्सपोर्टर्स को नहीं आना चाहिए। फेयर अपने आप में कामयाब तरीके से कामयाब होगा। अगर आप बायर की ट्रैवलिंग की बात करें, बायर की कंफर्मेशन की बात करें, भरपूर तरीके से बायर आ रहा है, बायर ट्रैवल कर रहा है। फ्लाइट्स जो है हिंदुस्तान ने 27 तारीख से सब पूरी ओपन कर दी हैं। हाँ, जो है टिकट जरूर महंगा मिलेगा इस समय, लेकिन बायर्स के पास जो है खरीदारी करने का अपना बजट है, एक बजट होता है, निश्चित होता है। उस बजट के अंदर बायर को अगर माल खरीदना है हिंदुस्तान से तो जो है महंगा सस्ता बायर नहीं देखेगा, बायर आएगा और फेयर में खरीदारी करेगा। तो एक तरीके से अब कितना महत्वपूर्ण होगी ये कोविड के बाद में जो ये फेयर है, इसको अगर देखा जाए तो? देखिए, कोविड के चलते हुए हम लोगों ने एक मिनी फेयर का ट्रायल करा था जो अभी पीछे 5 महीने पहले जो शो हुआ था, जो हमने सिर्फ मार्ट के परिसर में लगाया था, उसमें टेम्परेरी और परमानेंट मार्ट दोनों खोले गए थे। करीब जो 1,000-2,800 मार्ट ओनर्स ने उसमें हिस्सा लिया था और 1,000 जो है आपका टेम्परेरी वालों ने, टेम्परेरी जहां पर फेयर लगती है हॉल्स के अंदर, उन एक्सपोर्टर्स ने उसमें हिस्सा लिया था।
और करीब करीब जो है सारे निर्यातक उस फेयर से खुश होकर के लौटे थे। वो कोविड का टाइम था, लेकिन उस कोविड के टाइम में भी बायर को अपना माल चाहिए था, तो माल लेने के लिए जो है हिंदुस्तान उसने ट्रेवल करा, उसने नहीं देखा कि कोविड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। वो आया और फेयर जो है हमारी कामयाब गई। उस फेयर से सभी लोगों की, EPCH की, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक हिम्मत जो है बढ़ी, और जो है गवर्नमेंट ने जो हम लोगों से कहा कि आप फेयर जो फुल जोर तरीके से जिस तरीके से करते थे आप उस तरीके से करिए, उसमें हमारा पूरा सहयोग है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।